प्रणाम बच्चों, आज हम कोर किड्स टीवी के माध्यम से सीखेंगे हिंदी की मात्राएं। चलो शुरू करें। प्यारे बच्चों, मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजन की मात्रा नहीं होती। हम व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवाज का इस्तेमाल करते हैं। जब स्वर की आवाज का इस्तेमाल करते हैं तो हमें स्वर की आवाज के लिए कोई न कोई चिन्ह चाहिए होता है। उसी चिन्ह को हम मात्राएं कहते हैं। अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे हम अक्षर को बोलते हैं क, क, ध्यान से सुने तो हमें अ की आवाज इसी में सुनाई देगी। ऐसे ही ख, ख के साथ भी हमें अ की आवाज सुनाई देती है। और अब हम बोलेंगे ग, ध्यान से सुनो, ग के साथ भी हमें अ की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए अ अक्षर की कोई भी मात्रा नहीं होती, क्योंकि इसकी आवाज पहले से ही हर अक्षर के साथ आती है। आ, आ की मात्रा होती है और ये चिन्ह अ की मात्रा में अक्षर के साथ जोड़ा जाता है। इसे हम बड़ा अ भी बोलते हैं और इससे अक्षर की आवाज लंबी होती है। जैसे अ, अ की मात्रा म, आम, ग, म, ल, आ की मात्रा गमला, त, आ की मात्रा ल, आ की मात्रा ताला, ई की मात्रा। ये चिन्ह ई की मात्रा में अक्षर के साथ जोड़ा जाता है और ये अक्षर के आगे लगती है और अक्षर की आवाज को छोटा कर देती है। जैसे ई की मात्रा क, ता, ब, किताब। ऐसे ही ई की मात्रा ह, र, न, हिरन। ई की मात्रा स, ता, र, सितार। बड़ी ई की मात्रा, इसके लिए हम ये चिन्ह अक्षर के साथ लगाते हैं। बड़ी ई की मात्रा को अक्षर के पीछे लगाया जाता है और ये अक्षर की आवाज को लंबा कर देती है। जैसे ल, बड़ी ई की मात्रा च, बड़ी ई की मात्रा लीची, चा, ब, बड़ी ई की मात्रा चाबी, चाबी, हा, थ, बड़ी ई की मात्रा हाथी, ध्यान से सुनो, इसे हम लंबी आवाज में बोल रहे हैं हाथी। ऊ की मात्रा होती है और ये चिन्ह अक्षर के नीचे जोड़ा जाता है। ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है और ये अक्षर की आवाज को छोटा कर देती है। उ, जैसे म, उ की मात्रा र, ली, मुरली, मुरली, क, उ की मात्रा र, सी, कुर्सी, ग, उ की मात्रा ला, ब, गुलाब। बड़ा उ, बड़ी उ की मात्रा के लिए ये चिन्ह अक्षर के नीचे जोड़ा जाता है और ये अक्षर की आवाज को लंबा कर देता है। जैसे अ, ल, बड़ी उ की मात्रा आलू, स, बड़ी उ की मात्रा र, ज, सूरज, ज, बड़े उ की मात्रा ता, जू,
री की मात्रा होती है, उसके लिए ये चिन्ह अक्षर के साथ जोड़ा जाता है। री की मात्रा को अक्षर के नीचे लगाया जाता है। उदाहरण के लिए म, री की मात्रा ग, मृग। प, री की मात्रा श, वृक्ष। ए की मात्रा होती है, उसके लिए ये चिन्ह अक्षर के ऊपर जोड़ा जाता है। इसे हम अक्षर के ऊपर लगाते हैं। उदाहरण के लिए श, ए की मात्रा र, शेर। स, ए की मात्रा ब, सेब। क, ए की मात्रा ल, ए की मात्रा केले। ए की मात्रा होती है, उसके लिए ये चिन्ह अक्षर के ऊपर जोड़ा जाता है। इससे अक्षर की आवाज लंबी हो जाती है। उदाहरण के लिए थ, बड़े ए की मात्रा ला, थैला। प, बड़े ए की मात्रा र, पैर। म, बड़े ए की मात्रा ना, मैना। ओ की मात्रा के लिए ये चिन्ह अक्षर के साथ जोड़ा जाता है। इसे हम छोटा अ भी बोलते हैं। इससे अक्षर की आवाज छोटी हो जाती है। उदाहरण के लिए म, छोटे ओ की मात्रा र, मोर। ट, ओ की मात्रा क, री, टोकरी। ढ, ओ की मात्रा ल, ढोल। बड़े ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा के लिए इस चिन्ह को अक्षर के साथ जोड़ा जाता है। इससे अक्षर की आवाज लंबी हो जाती है। उदाहरण के लिए अ, बड़े ओ की मात्रा र, त, औरत। प, क, बड़े ओ की मात्रा डा, पकोड़ा। ह, थ, बड़े ओ की मात्रा डा, हथौड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोर किड्स टीवी।